हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मतलब आज हम लोग फिर से ट्वेल्थ का सीरीज जो चल रहा है उसको आगे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले मतलब पिछले दिन क्लासेस में हमने मतलब क्या किया था कि 2x2, 3x3, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे भी वीडियो बन गया है हमारा, ठीक है ना। और एक शॉर्ट ट्रिक भी आ गया है, ठीक है ना, वो आपके मतलब साइन पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है ना। उस दिन तो बस कॉन्सेप्ट पे बात किया था, ठीक है ना, उस पर आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे क्वेश्चन के साथ, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो बात वही होगा आपका सीधा जो चल रहा है डिटरमिनेंट, ठीक है। बस उसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना हम लोग उस दिन, मतलब उससे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। आइए डील करते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आपके, जस्ट हम एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड ए बी सी, उसके बाद है आपका x प्लस ए वाई प्लस बी, उसके बाद z प्लस सी, ठीक है। तो बस इस पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। मान लीजिए कि कोई देखिए डिटरमिनेंट है, ठीक है, आपका वहां लिखा हुआ है बराबर जीरो आएगा, कैसे आएगा वही चीज बताना है, बराबर जीरो कैसे आएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं हम लोग। तो हम ऐसा करते हैं ना कि आपका जो मतलब है किसी दो को सिमिलर बनाते हैं किसी तरह से। हम क्या करें कि आपका C3 में हम क्या करें कि आपका C2 को माइनस करते हैं, क्या करके देखते हैं ये। तो X, Y, Z अपने जगह, A, B, C अपने जगह, जिस पे काम नहीं कर रहे उसको वैसे उतार रहे हैं। अब इस पे बात कर रहे हैं तो C3 में C2 बता रहे हैं, यानी कि X प्लस A में माइनस हो रहा है आपका C2, A खत्म हो गया, X बचेगा। सेम चीज यहाँ पे B भी खत्म हो जाएगा तो Y बचेगा, सेम चीज यहाँ पे C खत्म तो Z बचेगा, क्या ये आपका बचा। तो अब यहाँ फोकस कीजिए कि आपका जो C1 है और ये C3 है दोनों क्या सेम है। तो जैसे ही आपका प्रॉपर्टीज क्या था, दो आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। यहाँ पे आपका C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्लियर है। C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है जी। तो यही बस प्रूफ करने वाला है, उसको उतारिए। तो समझ आया एग्जैक्टली क्या किए हम, कि मतलब किसी दो को सिमिलर बनाने की प्रोसेस है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा था पैटर्न। तो किसी दो को सिमिलर बनाया, तो देखें कि आपका C3 में जब हम C2 को माइनस कर दिए तो ये हमको ये पार्ट मिल गया। तो आपको देखने को मिला कि आपका C3 और C1 क्या है, सेम है, यानी कि आइडेंटिकल है। यानी केसेस था ना कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम, मतलब दो आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट का जीरो। फटाफट इसको देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए सारा प्रॉपर्टी पे ही डील करेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन करके। हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड नंबर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है 2, 3, 5, उसके बाद आपका 7, 8, 9, ठीक है, उसके बाद 65, 75, उसके बाद आपका है 86। इसमें वही बोला प्रूफ कीजिए जीरो आएगा कि नहीं आएगा, प्रूफ करके देखते हैं। LHS से ही चलते हैं ना हम लोग, क्या होगा नहीं होगा पता चल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पैटर्न देखिए क्या कर सकते हैं। तो 65, 75, 86 कुछ तो नहीं समझ आ रहा है, क्या करें। देखिए तो कुछ करके देखते हैं, ये आपका हम देखते हैं कि C3 से हम माइनस करके देखें क्या C1 क्या होता है। चलिए ठीक है, माइनस करके देखते हैं। तो जिस पे डील नहीं कर रहे उसको वैसे ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, C3 से C1, यानी 65 से 2 जाएगा तो 63, 75 से 3 जाएगा तो 72, और 86 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 81, इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं ना, कि आपका कॉमन निकालने वाले प्रॉपर्टी बताए थे ना आपको हम, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके C3 से कुछ ऐसा कॉमन निकालिए जो सिमिलर इसके तरह मिले। तो 9, 7, 63 होता है क्या, यानी क्या अगर 9 कॉमन निकाल लेते हैं 7 आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कि कॉमन निकाल रहे हैं आपका कहां से, C3 से कितना 9, तो क्या होने वाला है। तो C3 से जब हम 9 जो जिस पे काम नहीं हो रहा है उसको वैसे ही लाके लिख देंगे, उसके बाद 7, 8, 9, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं 63 से कितना 9 कॉमन निकाले तो 7 बचा, 72 से 9 कॉमन निकाले तो 8 बचा, 81 से 9 कॉमन निकला तो 9 बचा गया, यानी कॉमन कितना निकला 9। तो
तो देखिए आप यहां से आप देख रहे होंगे कि आपको जो आपका C2 और C3 क्या है, C2 एंड C3 आइडेंटिकल है यानी सेम है। तो जैसे आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू क्या होता है डिटरमिनेंट का, जीरो। बन चुके हैं प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज किए हम लोग। पहला किए कि कॉमन निकालें, मतलब पहले तो घटाएं हम मैक्सिमम मतलब सॉल्व करने के लिए, उसके बाद कॉमन निकालें, उसके बाद आप आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी लाके आंसर निकालें। अब अच्छे से दो तीन बार देखेंगे, एक बार नहीं समझ आएगा दो बार देखेंगे, टाइम दे रहे हैं इसको लिखने का, लिखिए फटाफट से। ठीक तो बेटा इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है आपके काम, इसका टेंशन लेने वाली बात नहीं बस ये, लेकिन आप एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है 2 मार्क्स में, तो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपका ए माइनस बी, उसके बाद आपका है बी माइनस सी, उसके बाद है सी माइनस ए। सिमिलर ये है आपका बी माइनस सी, उसके बाद है सी माइनस ए, उसके बाद क्या है बी माइनस सी, उसके बाद फिर से आपका सी माइनस ए माइनस बी, फिर नीचे है आपका ए माइनस बी, उसके बाद है आपका बी माइनस सी। वही प्रूफ करना है जीरो है या नहीं, तो एल एच से चल रहे हैं सॉल्व करके देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो ऐसा करते हैं ना, मतलब तीनों को जोड़ के देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कॉलम वन में हम सी वन सी टू और सी थ्री तीनों को जोड़ के देखते हैं तब क्या निकलता है, चलिए करके देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सी वन में हम सबको जोड़ रहे हैं, तो पहले एक करके दिखा देते हैं कि सी वन में सबको जोड़े यानी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, क्या बचेगा बी बी खत्म सी सी खत्म ए ए खत्म, क्या नहीं बचेगा जीरो यानी इसमें जीरो। तो आप देखिएगा इसको भी आप सॉल्व करेंगे जोड़ करके तो जीरो आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे जीरो आएगा, बाकी आपका क्या है बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी सी माइनस ए ए माइनस बी बी माइनस सी। तो क्या आएगा वैल्यू, बोल दे रहे किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम जीरो है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है जीरो, बस ये एकदम सॉल्व करते रहेंगे आराम से बन जाएगा। तो उतारिए उसको फटाफट से, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है फटाफट से तो इसको मिटाते हैं। एकदम इजी है आपका प्रॉपर्टी पढ़ने का, देखिए ये सब क्वेश्चंस को ना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रीजन ये है ना प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं किसी भी चीज को सॉर्ट करने के लिए, कितना सॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं ना, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी यहाँ वैसे ही काम करता है कि क्या करना है कि मतलब क्वेश्चन को क्या कितना सॉर्ट बना सकते हैं ना, अभी के टाइम पे सब कुछ ये सॉर्ट में सॉल्व, तो प्रॉपर्टी इस चीज को क्या करता है क्वेश्चन को सॉर्ट कर देता है। उसी चीज को आप मेथड वाइज जाएंगे बनाने के लिए, एक्सपेंड करके बना तो लेंगे लेकिन काफी टाइम जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक और आपका क्वेश्चन हम देखते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट है तो आपका है 0 माइनस ए, उसके बाद बी, उसके बाद है आपका सी, सी नहीं है ए है, उसके बाद 0 है, उसके बाद आपका सी है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ माइनस सी है, और यहाँ फिर से माइनस बी है। तो यही फिर से प्रूफ करने वाला है 0 पीजिए, हम LHS लेकर चलते हैं प्रूफ करते हैं 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कर सकते हैं इसमें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसमें एक नया चीज आ रहा है जो आपको हम बताना चाहेंगे, ये एक्चुअल में एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है, ये एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। हम लोग मैट्रिक्स में इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, पहचानेंगे कैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो याद रखिए जब भी डायगोनल्स का एलिमेंट 0, डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल्स डायगोनल का एलिमेंट क्या हो, सारा एलिमेंट डायगोनल क्या क्या हो 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पहला केस ये कि डायगोनल का एलिमेंट 0 होना चाहिए और ऑपोजिट साइड्स का जो एलिमेंट है वो मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट साइड के साथ, देखिए ऑपोजिट साइड क्या, ए प्लस में तो ए माइनस में, बी माइनस में तो बी प्लस में, सी प्लस में तो सी माइनस में। इसमें एक हम स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के ऊपर, टेंशन नहीं लीजिए, बस अभी समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट क्या हो, डायगोनल का एलिमेंट 0 हो और एलिमेंट्स जो हो ऑपोजिट साइन के साथ, एक प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ऐसे ही होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होता है डिटरमिनेंट का 0 होता है, बस इतना अभी याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, एग्जैक्टली दिमाग में सेट कर देना इस बात को, अभी ये एक तरह से प्रॉपर्टी ही है, आगे पढ़ेंगे ना मैट्रिक्स में तो डिटेल में,
नीचे फिर ऑफिस देख पॉइंट्स ये सब नोट डाउन करने हैं अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, और ये आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको एक्सपैंड करके बना सकते हैं आंसर आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सपैंडिंग हम पिछले वाले वीडियो में सिखा चुके हैं, वहाँ जाके आप सीखें अच्छे से, ठीक है। तो बेटा इसको देखिए मिटाते हैं, तो प्रॉपर्टीज में लगभग सारा ये प्रॉपर्टीज लगभग हम लोग यूज कर लें क्वेश्चंस में, आप एनसीईआरटी में जाकर के ना जो जिसमें प्रॉपर्टी लग रहा हो लगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, दो चीज दिमाग में सेट करा देते हैं आपको, नोट्स में रख लीजिएगा इस बात को। डिटरमिनेंट जब सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहला माइंड डराने जाएंगे क्या हम उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? दिमाग में ना सेट करना है सब बातों को आपको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब चीजें माइंड में आएंगी, क्या प्रॉपर्टी लगेगा क्या नहीं लगेगा, एज ए स्टूडेंट आपको आएगा माइंड में। तो बस क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे ना एक दो बार आपको लगेगा कि हाँ यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है, तो प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे, डायरेक्टली लगाएंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर बाय चांस प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सेकंड स्टेप माइंड में क्या जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे आपका, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे फटाफट से किसी भी चीज से, C1 से करें, C2 से करें, C3 से करें, R1 से करें, R2 से करें, R3 से करें, कहीं से भी एक्सपेंड की, आपका आंसर 110% आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये दो चीज डिटरमिनेंट में आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर आप नोट डाउन करिए इसको भी। तो बेटा ये दो चीजें अच्छे से, ठीक है, बस और एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके बाद आपको। देखिए प्रॉपर्टीज लगाना सिखा चुके हैं, ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत होगा प्रॉपर्टीज में तो और वीडियो बोलेगा बना देंगे, ठीक है ना। तो एक आपको एक्सपेंडिंग के थ्रू क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ने 4-5-6 प्रॉब्लम देख लिया है, आप सॉल्व करेंगे आपको दिमाग में आएगा कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग कोई सा भी और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका एनसीईआरटी का 8 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन है कि कोई एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 1AA² 1BB² 1CC², तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिख रहा है मैक्सिमम जीरो वाला प्रॉपर्टी दिमाग में आ रहा है ना, उसको हम पुट करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाएंगे एकदम इजीली, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए R1 से कुछ कर रहे हैं तो R1 में घटा दें R2 को, तब तो जीरो मिल जाएगा। फिर हम R2 के साथ खेल करेंगे, R2 में फिर हम R3 को घटा दें तो फिर क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है, R1 में R2 को घटाएं तो जीरो क्या हो जाएगा, A-B क्या हो जाएगा, A²-B², समझ आ रहा है। फिर आप क्या कहेंगे, R2 से R3 यानी 1 से 1 जाएगा तो 0, B-C हो सकता है और B²-C² होगा, और नीचे में कोई काम नहीं किए तो उसको वैसे ही रख लेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि तोड़ सकते हैं इसको, देखिए आपका 0 0 1, A-B है, B-C है और ये C है, तो देखिए A²-B² क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, A+B A-B, सबको पता होगा 12th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं B+C B-C, ठीक है, और ये आपका C², कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम कॉमन ढूंढते हैं फटाफट से, देखिए सारी प्रॉपर्टी लगभग आ ही रही है, आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो कॉमन ढूंढेंगे तो हम R1 में हमको दिख रहा है कॉमन क्या है, A-B, R2 में कॉमन देखते हैं कि A-B कॉमन है ना, 0 के अंदर भी तो A-B है, A-B को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होने वाला है ना, तो यहाँ भी A-B छुपा हुआ है, ठीक है ना। फिर R2 में भी देखिएगा तो वो कॉमन दिख रहा है B-C, यहाँ ये चीज दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो A-B है ही नहीं, A-B को 0 से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात को दिमाग में सेट रखें, तो इससे भी B-C कॉमन निकल जाएगा। तो अब बचेगा क्या आपके पास, देखिए क्या बचने वाला, पहले जो कॉमन निकाले उसको तो लिख लेते हैं पहले अच्छे से, तो कॉमन क्या क्या निकाले, A-B और B-C निकाले, उसके बाद क्या बचा आपका 0 0 1, उसके बाद बचा वहां पे 1, यहाँ भी 1 बचेगा, ये सी अपने जगह, यहाँ से A-B निकल चुका है तो A+B, यहाँ से B-C निकल चुका है तो B+C और यहाँ सिर्फ C², तो इतना बचा है, ठीक है। तो इतना उतारिए फटाफट से, उसके बाद आगे जाएंगे, ये सब चीज आप उतार लें फटाफट से। तो यहाँ बिठाते हैं, यहाँ से देखिए ये वाला मिटा दें फटाफट से,
लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा, क्या कहती है। तो आपका बचा हुआ क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है। अब उस चीज को लिख लेते हैं, जीरो जीरो वन 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 सी ए प्लस बी बी प्लस सी सी स्क्वायर। अब डायरेक्टली लेकिन एक्सपेंड कर देते हैं इसमें, कहां से करें, एक्सपेंडिंग अलोंग c1 से कर दी क्या, तो c1 से करेंगे तो a माइनस बी बी माइनस सी साथ चलेगा, जीरो मतलब नहीं लेते, छोड़ देते डायरेक्ट यहां से करते ना, तो प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस वन से, तो ये रो ये कॉलम छोड़ते हैं, तो इसको इससे, तो देखिए क्या हो जाएगा b प्लस सी, ऐसे करते तो माइनस आता था, तो माइनस ए माइनस बी आएगा ना, तो देखिए माइनस प्लस बी खत्म, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ क्या आने वाला है सी माइनस ए, ये तो प्रूफ करने बोला था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में या फिर आपके 2 मार्क्स में भी, कहीं पे भी आपको दिख सकता है। तो याद रखिए इस चीज को, हमेशा दिमाग में सेट करके रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उतारिए इसको, उतार लिए। देखिए इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आपका, मतलब ट्रिक वाइज छोटा सा ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें दिमाग में सेट रखने के लिए, बता दें छोटा सा ट्रिक इसमें। इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल में क्या होता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, कि कोई भी इक्वेशन हो जो 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो इसका आंसर होगा आपका सर्कुलर ऑर्डर में जाएगा, a माइनस बी फिर b माइनस c फिर c माइनस, समझ रहे हैं, a आया b आया, देखिए a आया फिर b आया फिर c आया, a b b c c है, एक सर्कुलर ऑर्डर में फॉर्म था, जैसे कि a फिर b फिर c, a b b माइनस c c माइनस, एक सर्कुलर, ये एक ट्रिक है आपको दिमाग में रखिएगा, इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिख सकता है क्वेश्चन में। जैसे हमें करके दिखा देते हैं, आप एग्जांपल करके इस पर, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, वन टू टू स्क्वायर वन थ्री थ्री स्क्वायर वन फोर फोर स्क्वायर, तो आप उतना कहाँ एक्सपेंड करने चाहिएगा, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिए ना क्लियरली, क्या लिखेंगे, ये क्या ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, सी का काम करेगा, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए कितना है टू, पहले लिख देते फॉर्मूला एक बार, देखिए ए माइनस बी उसके बाद आपका बी माइनस सी उसके बाद सी माइनस सी, देखिए a कितना है, a का बराबर 1a, देखिए यहां लिख के दिखा देते हैं अच्छे से, ये a का वैल्यू होगा, ये b का वैल्यू होगा, ये c का वैल्यू होगा, तो क्या है 2 माइनस 3 होगा क्या, 3 माइनस 4 होगा क्या, और 4 माइनस 2 होगा क्या, सॉल्व कीजिए तो माइनस 1 यहां आएगा, यहां भी माइनस 1 आएगा और 2 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा, इसको हम वैसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक वाइज है, इसको दिमाग में रखिएगा, आपका ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कंपटीशन में इतना एक्सपेंड करने जाएंगे तो सारा टाइम क्यों दे जाएंगे हम, अपना फटाफट हमको पता रहेगा फॉर्मूला, हम पुट करके सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये सब दिमाग में रखने वाली बात है। तो आप इसके बारे में हम लोग आप जो भी है आज क्वेश्चन जितने सारे दिन उसको उतारे पहले, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन पे मतलब और भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मतलब ट्वेल्थ के लिए, जिसपे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, पहले भी मतलब 3 वीडियो जा चुके हैं, चौथा वीडियो होगा ये, ठीक है। तो जो जाए इंसानी मैथ के साथ, और फिर सपोर्ट करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें शेयर करें और जुड़े इंसानी मैथ के साथ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।